हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो पहला स्टॉक है हमारे पास BCL इंडस्ट्री का। तो यहां पर इसका मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं और ये रहा इसका चार्ट। तो आई थिंक मैंने इस स्टॉक को पहले भी दे रखा है, बट स्टिल नो इशूज, हमें आज फिर से एक एंट्री का मौका मिल रहा है, तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं पैटर्न ड्रॉ कर लेता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन था एक काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स हमें सेम ट्रेंड लाइन से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा था। मतलब जब भी प्राइस इस लेवल को टच करता था हमें डाउन साइड में एक मूव देखने को मिलता था। बट आप यहां पर देख सकते हैं आज के दिन हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक को सेलेक्ट करने का जो रीज़न है वो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अब बात करते हैं कौन से लेवल पर बाई करना चाहिए। तो अगर ये स्टॉक 535 के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकता है। अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस का, तो स्टॉप लॉस हम लोग रखते हैं हमेशा प्रीवियस स्विंग लो। तो प्रीवियस स्विंग लो आ रहा है हमारे पास 480 रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक BEML और ये रहा इसका चार्ट। तो सबसे पहले रीजन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 1575 का जो लेवल था वो काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते थे, यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आज के दिन हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और ब्रेकआउट के समय देखिए जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल डे के कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो लगभग आई थिंक 2-3 महीने बाद हमें एक अच्छा वॉल्यूम के साथ एक अच्छा कैंडल भी देखने को मिल रहा है। तो इसको जो सेलेक्ट करने का जो रीज़न है वो है इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। अब बात करते हैं कौन से लेवल पर हम लोग बाय करेंगे। तो देखिए ये जो लाइन है ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब क्या होता है कि प्राइस इस लेवल को टच करता है और यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है। तो हम लोग इसके ऊपर ही बाय करने जा रहे हैं और ये रहा इसका हाई। तो हम लोग इसे बाय करने जा रहे हैं 1670 के ऊपर। अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो जो कि आ रहा है 1490। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है थायरो केयर का और ये रहा थायरो केयर का चार्ट। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर दिख गया होगा वो है वॉल्यूम, जो कि 2023 में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है आज के दिन। अब बात करते हैं पैटर्न की। तो यहाँ पर मैं पैटर्न ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने काइंड ऑफ एक बॉक्स पैटर्न बना रखा था एंड आज के दिन हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस जो है काफ़ी लंबे समय से इस छोटे से बॉक्स में ट्रेड कर रहा था एंड आज हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं कौन से लेवल पर हमें बाय करना चाहिए। तो अगर ये स्टॉक 520 के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और बात करेंगे अगर स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो जो कह रहा है 460 रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक इंजीनियर्स इंडिया और ये रहा इसका चार्ट। आई थिंक मैंने यहाँ पर पहले भी स्टॉक को दे रखा है, तो यहाँ पर पहले से भी पैटर्न ड्रॉ है। पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड आज का हम लोग देखते हैं चार्ट कि मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया है। तो अभी ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई स्टॉक 52 वीक पर एक बॉक्स पैटर्न बनाता है, मतलब क्या होता है कि कंसोलिडेट करता है एंड उसके बाद किसी भी डायरेक्शन में अगर ब्रेक करता है तो उस डायरेक्शन में आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टॉक जो अपने 52 वीक के हाई के पास कंसोलिडेट कर रहा था एंड आज के ट्रेडिंग सेशन में हम इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को जो सेलेक्ट करने का जो रीज़न है वो है बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट। वॉल्यूम आप देख सकते हैं, वॉल्यूम भी इस ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहा है। अब बात करते हैं कि कौन से लेवल पर हमें इसे बाय करना चाहिए। तो अगर ये स्टॉक 1222 के ऊपर, दैट इज़ 1222 के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और बात करते हैं स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो जो कि आ रहा है 107 रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक और ये है फैक्ट का और ये रहा इसका चार्ट।
आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस स्टॉक को इस लेवल पर भी दिया था जो कि अराउंड 160 के आसपास था एंड ये स्टॉक यहाँ पर डबल हो चुका था। तो काफ़ी अच्छा इस स्टॉक में हमें रिटर्न्स देखने को मिला होगा जब भी आपने अगर इसको यहाँ पर बाय किया होता तब। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ब्रेकआउट आता है एंड किस प्रकार से हमें एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। अगेन हमें इस स्टॉक में एक बाय का मौका मिल रहा है, तो आइए उसको पहले ढूंढते हैं। सबसे पहले पैटर्न, और ये रहा पैटर्न। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने एक काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न बना रखा था एंड हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक को सेलेक्ट करने का जो रीज़न है वो है कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट। अब बात करते हैं कौन से लेवल पर हमें बाय करना चाहिए। तो अगर ये स्टॉक 435 के अगर ऊपर निकलेगा तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और अगर बात करें स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो जो कि आ रहा है 370 रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है, आई मीन टू से कि अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है क्या। तो हाँ, ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स कि जो अपसाइड में जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब स्टॉक यहाँ से कितना भी ऊपर जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक GEPIL, एंड ये रहा इसका चार्ट। रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये रहा पैटर्न। तो काइंड ऑफ ये आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो 165 का जो लेवल था वो काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था एंड आज के दिन हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक को जो सेलेक्ट करने का जो रीजन है वो है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। अब बात करते हैं कौन से लेवल पर हमें बाय करना चाहिए। तो अगर ये स्टॉक 175 के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो जो कि आ रहा है 150 रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, और ये है गोकेक्स का। इस स्टॉक को मैंने पहले भी दे रखा था एंड आई थिंक इसने अपने सारे टारगेट यहाँ पर हिट कर चुके हैं। कोई बात नहीं, अगेन हमें यहाँ पर एक मौका मिल रहा है, हम लोग इस मौके को ढूंढेंगे और यहाँ से एक बाय का मौका देखेंगे। सबसे पहले पैटर्न, और यहाँ पर इस स्टॉक ने एक काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रखा था एंड हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक को सेलेक्ट करने का जो रीज़न है वो है पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट। अब बात करते हैं कौन से लेवल पर हमें इसे बाय करना चाहिए। तो अगर ये स्टॉक 520 के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर बात करते हैं स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो जो कि आ रहा है 470 रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, और ये है हैप्पीएस्ट माइंड का, और ये रहा इसका चार्ट। रीजन को फाइंड आउट करेंगे, आई थिंक मैंने इस स्टॉक को पहले भी कभी दिया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले रीजन, या ये 935 का जो लेवल है इसको ध्यान से देखिए, ये जो 935 का जो लेवल था ये काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था एंड आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक चीज़ आप यहाँ पर और नोटिस कर सकते हैं, और वो है इसका वॉल्यूम जो कि नॉर्मल डेज के कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा है। दैट मीन्स कि ये जो ब्रेकआउट है इसको वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर प्राइस बढ़ रहा है विथ इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम तो ये जो साइन होता है ये होता है बुलिशनेस का, और ऐसे केसेज में क्या होता है कि प्राइस के जो ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। याद रखिएगा ट्रेडिंग जो गेम है वो पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी का गेम है, श्योर शॉट या गारंटेड वाला गेम नहीं है यहाँ पर। तो जो लोग गारंटेड वाला गेम खेल रहे हैं वो इस गेम से जल्दी ही बाहर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कौन से लेवल पर हम लोग इसे बाय कर सकते हैं। तो अगर ये स्टॉक 965 के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस होगा 900 रुपीज़ क्लोजिंग बेसिस पर। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, और ये है KPI ग्रीन का, और ये रहा इसका चार्ट। आई थिंक मैंने इस स्टॉक को पहले भी दिया था यहाँ पर ब्रेकआउट के समय एंड अभी आप देख सकते हैं आपको ऑलरेडी 600 to 760 लगभग 30% का रिटर्न आपको आसानी से यहाँ पर मिल चुका होगा। कोई बात नहीं, अगर आपको पहले मौका नहीं मिला तो अब मौके बनाते हैं। तो यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न आप यहां पर देख सकते हैं,
और इसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो स्टॉक को जो सेलेक्ट करने का जो रीज़न है वो है पोलैंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट। अब बात करते हैं कौन से लेवल पर हमें बाई करना चाहिए। तो अगर ये स्टॉक 750 के अगर ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस होगा 640 रुपीज क्लोजिंग बेसिस पर। नेक्स्ट स्टॉक है केपीआर मिल का, और ये रहा इसका चार्ट। इस स्टॉक को मैंने पहले भी दे रखा होगा, आई थिंक इस लेवल पर दिया होगा, और आपका स्टॉप लॉस जो ये सपोर्ट होगा, एंड अगेन अभी भी ये प्रॉफिट में चल रहा है, बट कोई बात नहीं, ये पहले था। अब बात करते हैं आज की। यस, तो ये जो 645 का जो लेवल है ये काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस का लेवल था। आप देख सकते हैं कि जब भी प्राइस इस लेवल के आसपास आता था यहीं से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता था, एंड आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक को सेलेक्ट करने का जो रीज़न है वो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अब बात करते हैं कौन से लेवल पर हमें बाय करना चाहिए। तो अगर ये स्टॉक 675 के अगर ऊपर निकलता है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, और हमारा स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो जो कि आ रहा है 625 रुपीज क्लोजिंग बेसिस पर। तो आई होप कि आपको यहां तक अभी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की जो कि है रिको ऑटो का। चार्ट ओपन कर लेते हैं, और ये रहा रिको ऑटो। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने इस ब्रेकआउट वाले लेवल पर दिया था, एंड आज के दिन इसने सारे टारगेट अभी तक हिट कर चुका है। कोई बात नहीं, अगर आपने पहले इन्वेस्टमेंट नहीं किया था तो यहाँ से आप एक मौका बना सकते हैं। एंड इसका जो रीजन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक जो है इसने एक राउंड बॉटम पैटर्न में रखा था, एंड आज हमें इसका एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक चीज़ आप यहाँ पर और नोटिस कर सकते हैं और वो है इसका वॉल्यूम, एंड आई थिंक ये अपने 2023 में सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो आज के दिन है। तो स्टॉक को जो सेलेक्ट करने का जो रीज़न था वो था राउंड बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट, और आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम था वो नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा था। अब बात करते हैं कौन से लेवल पर हमें बाय करना चाहिए। तो अगर ये स्टॉक 103 के अगर ऊपर निकलेगा तो आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर बात करेंगे स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग लो जो कि आ रहा है 85 रुपीज क्लोजिंग बेसिस पर। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।